और अब बात करेंगे शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में। आज शिमला नगर निगम की अहम सुनवाई है। आज दोपहर नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में इस मामले में 45वीं सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले शिमला नगर निगम के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। आज होने वाली सुनवाई में लोगों को उम्मीद है कि नगर निगम कमिश्नर मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश देंगे। वहीं आज शिमला के लोगों का सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, यानी सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ इलाके में बन रही अवैध मस्जिद, कसुमटी इलाके में बन रही एक और मस्जिद को लेकर भी प्रशासन ने तुरंत एक्शन की लेकर इस वक्त लोगों ने मांग की है। तो दो मस्जिदें हो गई, संजौली का एक मस्जिद जहां पर अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठाए और दूसरा कसमुटी इलाके में भी बन रही अवैध मस्जिद को लेकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि यह भी अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है। शिमला की संजौली मस्जिद पर आज आएगा फैसला। आज खत्म हो रहा सरकार को दिया अल्टीमेटम। अवैध मस्जिद के खिलाफ फिर हिंदू सड़क पर उतरेंगे। शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आज अहम दिन है। आज नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद मामले में निर्माण को लेकर सुनवाई होगी। ये सुनवाई नगर निगम शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री की अदालत में होगी। इससे पहले इस मामले में साल 2010 से अब तक 44 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मामले का हल नहीं निकला है, जबकि इस दौरान मस्जिद 5 मंजिला बनकर तैयार हो गई है। आरोप है कि बिना अनुमति यहां स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। नगर निगम ने यहां 4 मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दी। विवादित स्थल पर अब तक 6,357 वर्ग फुट अवैध निर्माण हो चुका है। वहीं सरकार से एक्शन की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के अल्टीमेटम का भी आज आखिरी दिन है, क्योंकि हिंदू संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर सरकार फैसला नहीं करती तो फिर लोग अपने तरीके से मामले को हल करेंगे। वहीं संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आवाज उठाने वाली मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मांग कर रहे हैं कि ऐसी इमारतों की पहचान हो जहां अवैध निर्माण किया गया है और उसे हटाया जाए। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोर्ट में है, 2010 से केस चल रहा है, 44 हियरिंग्स उसकी हो चुकी हैं। ये भी स्पष्ट है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्कुल रिटर्न जवाब दिया है कि वो इलीगल स्ट्रक्चर जो है खड़ा किया गया है, करीबन 6,327 स्क्वायर फीट का इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और एज पर लॉ, न केवल मैं उस बिल्डिंग की बात करूंगा, शिमला को आज कंक्रीट जंगल बोला जा रहा है। जो टूरिस्ट आते हैं बोलते हैं तो सिर्फ कंक्रीट जंगल है, तो इसकी ये छवि बदलने की जरूरत है। तो न केवल एक बिल्डिंग की ये बात है, पूरे शिमला में क्या पूरे हिमाचल में, चाहे वो नगर निगम के क्षेत्र में है, चाहे वो नगर परिषद के क्षेत्र में है, चाहे वो TCP के क्षेत्र में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के क्षेत्र में कानून बने हैं, उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करा जाना चाहिए। जो अभी अवैध बने हैं, अवैध स्ट्रक्चर्स बने और कानून के दायरे से बाहर हैं, उसके ऊपर जो है जल्द जो है सभी केस जो है फटाफट निपटा देने चाहिए। इस बीच शुक्रवार को संजौली मस्जिद में 20 के करीब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी। इस दौरान संजौली बाजार में मस्जिद की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए, कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है,
और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर हम करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा, लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का, और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हिमाचल प्रदेश की कि यहाँ सौहार्द हमेशा बना रहता है। वही शिमला के कसुमटी इलाके में एक घर की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई जा रही है, जिसको लेकर इलाके के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को यहां हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। लोगों की मांग है कि इस अवैध निर्माण को तुरंत गिराया जाए। लोगों का आरोप है कि मस्जिद के चारों तरफ से तिरपाल ढककर अंदर काम किया जा रहा है। ये पहले एक घर हुआ करता था, अब इसको पूरी तरह से पर्दों में ढक दिया गया है और अंदर ही अंदर इनका जो आरोप है कि इसको मस्जिद जो है वो बनाई जा रही है। चारों तरफ से आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसे पर्दों से ढक दिया गया है। ये तस्वीर जो है ये इस वक्त हम कसुमटी की दिखा रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये 3-4 साल पहले से ही ये यहाँ पर बननी शुरू हुई है और उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से छत से भी दिखाने की, तो ये छत से भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, पहले इसी में रहते थे। अच्छा। उधर से इसका रास्ता था। ये बाद में ये बना हुआ है, पक्का ये बाद में बना हुआ है। अच्छा, ये बाद में बना है। जी, ये तिरपाल लगा के रखते रहते थे। उसका ना, ये खुद के मिस्त्री हैं तो अपने आप से पक्का कर लेते हैं। अच्छा, तो ये तस्वीरें जो है ये बता रहे हैं कि पहले ये एक नॉर्मल घर नॉर्मल था, ये नॉर्मल घर हुआ करता था और यहाँ पे तिरपाल में लोग रहते थे। जी 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 जी। तो धीरे धीरे अब इसे पूरा आप देखो, ये बिल्कुल पक्का कर दिया। देखो, जंग भी नहीं लगा हुआ है, इसके नीचे भी पक्का कर दिया है। अंदर ही अंदर काम चल रहा है। जी 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 जी। इलाके के लोगों का कहना है कि पहले ये एक लोकल मुस्लिम का मकान था जिसको उन्होंने एक बाहरी शख्स को बेच दिया और यहाँ से चले गए। अब इस बिल्डिंग में लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है और नमाज भी पढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में माहौल खराब हो रहा है। दिक्कत हम लोगों को क्या आ रही है कि हमारी माताएं बहनें यहाँ से रास्ते में ना दिन में गुजर सकती हैं जिस दिन ये नमाज पढ़ने आते हैं, और ना शाम के टाइम, रात को बाहर तक होते हैं। यहाँ पे पूरे में इकट्ठे होते हैं ये लोग, ग्रुप्स में खड़े होते हैं, कमेंटिंग करते हैं, हैं, और पता ही नहीं इन लोगों का, कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। आज मल्याणा में इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक लोकल आदमी को मारा गया है, तो ये घटना कहीं भी हो सकती है। और वो कौन था, नाम उसका हिंदू नाम था है, असली नाम जो है वो कोई बताते नहीं है। एटलीस्ट अपना असली नाम बताओ ना, क्यों हिंदुओं के नाम रख रहे हैं आप? माहौल खराब कर रहा है सारे उसमें पूरे, आज शिमला ही नहीं पूरे प्रदेश में आज इन लोगों ने ऐसा माहौल करके रखा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ बड़ी संख्या में बाहरी लोग रह रहे हैं। बाहरी लोग अपनी पहचान छिपा कर काम कर रहे हैं, पकड़े जाने पर पेपर में उनका नाम अलग निकल रहा है। आए दिन बाहरी लोग महिलाओं और बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जो मांग स्थानीय लोगों की है वही मांग सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की भी है। उनका आरोप है कि शिमला में बड़े पैमाने पर बाहरी लोग रह रहे हैं, इनकी पहचान होना जरूरी है। सुधार कभी ना कभी तो करना पड़ेगा कि जो भी बाहर से काम करने यहाँ आते हैं वो किसी भी रूप में आते हैं, एटलीस्ट उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो ताकि उनकी पहचान हो, कोई क्राइम हो, कुछ हो। कई इंस्टेंस ऐसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हुए हैं पास्ट में भी कि मर्डर्स हुए हैं, रेप्स हुए हैं, और वो उनका पता ही नहीं है वो हैं कहाँ चले गए वो। तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो मैं समझता हूँ उनके अता पता तो रहेगा। और मैं ये भी साथ में बोलता हूँ, अगर मैं भी कहीं किसी प्रदेश में काम करने जाऊँ तो मेरी पुलिस वेरिफिकेशन भी लाजमी होनी चाहिए, ये पूरे देश में कानून होना चाहिए। नाम बदल के जो है वो काम कर रहे हैं, परंतु जब उनकी पहचान या आधार कार्ड देखा जाता है तो उसमें नाम जो है वो सेकेंडरी नाम है, जब पूछा जाता है तो वो तो निक नेम है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए कि आधार कार्ड जो है, निकनेम तो कोई भी रख सकता है वो नहीं, लेकिन पुलिस जांच से ये तो पता चलेगा कि आपराधिक रिकॉर्ड है कि किसी का कि नहीं है, और ये बिल्कुल जायज बात है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि हर सरकार के टाइम में इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और उस वक्त सरकार सोती रहती है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार अगर जनभावना का सम्मान नहीं करती तो लोगों का गुस्सा भड़क सकता है।
कोई भी सरकार आए जब अनऑथराइज्ड हो रहा होता तो आंखें बंद कर लेती, चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे हमारी रहे, चाहे कोई भी। जिस समय एक्शन लेना होता उस समय करते नहीं, जब बन जाते हैं तो उसके बाद लेते हैं। मेरा ध्यान इसमें है कि कभी कहीं भी कोई भविष्य में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करे तो उस तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शनें हो जाती है, फिर बाद में राजनीतिक दबाव पड़ता, फिर उनको रेगुलाइज करने की बात होती, कोई एक स्टोरी कर देता, दो स्टोरी बढ़ कर देता है। आदमी के स्वभाव में कई बार ऐसा आ जाता है कि क्या पता मेरी सरकार रेगुलाइज कर देगी, राजनीतिक रूप से का लाभ लेने के लिए भी कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं। ये हमें तय करना है कि जिस समय अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस समय वहाँ कौन अधिकारी था, ये कुछ SOP बनाने की जरूरत है। मैं इस दिशा में जरूर काम करूँगा। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वॉयलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जनभावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूँ क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अब सभी को म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि आखिर वो आज क्या फैसला देते हैं या फिर मामला अगली तारीख के लिए टल जाता है।